Hello guys, hope you like our videos, and if you like our videos, subscribe our channel and press the like and share button. In this video, we are going to do MCQs part 4 of chapter number 14, Statistics. Question number 1. Let L be the lower class limit of a class interval in a frequency distribution and M be the midpoint of the class. Then the upper class limit of the classes, हमें L जो है वो lower limit दे रखा है और M जो है वो midpoint है. हमने upper class limit निकालना है. हमें तो ये पता है कि lower limit plus upper limit divided by 2 जो होता है वो midpoint लेके आता है. Fine, so 2 is in division. अगर हम उसको right hand side पे ले जाएंगे तो वो multiply भी हो जाएगा. Our target is to find upper class limit. Upper class limit is U, so that is U is equals to 2m minus L. Option number C is the right one. Question number 2. Which one of the following is not the graphical representation of statistical data? इनमें से कौन सा graphical representation नहीं है? Bar graph तो होता ही graph पे है. हिस्टोग्राम भी ग्राफ पे होता है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स तो मिड पॉइंट्स को लेके बनते हैं ग्राफ पे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑन द ग्राफ्स. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 3. इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओजाइव्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ. ओजाइव्स जो है वो किस तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं? क्या वो फ्रीक्वेंसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर रॉ डेटा की? देखो, जो ओजाइव्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं. वन इज लेस देन टाइप ओजाइव, अनदर इज मोर देन टाइप ओजाइव, और दोनों ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेके बनती हैं. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 4. अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास और एनी वैल्यूज ऑफ द क्लास. देखो, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होती है वो एक तो फ्रीक्वेंसी को लेके बनती है ऑफ द क्लास इंटरवल. वो फ्रीक्वेंसी आती है वर्टिकल पोजीशन पे, दैट इज ऑन वाई एक्सिस, और जो उसकी मिड वैल्यूज होती हैं क्लास की वो आती है हॉरिजॉन्टली, दैट इज ऑन एक्स एक्सिस. दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होते हैं वो एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल को लेके बनते हैं और दूसरा मिड वैल्यू ऑफ द क्लास को लेके बनते हैं. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन. Question number 5. In a histogram, the area of each rectangle is proportional to A option, the class mark of the corresponding class interval. B option, the class size of the corresponding class interval. C option, frequency of the corresponding class interval. Or D option, cumulative frequency of the corresponding class interval. देखो, जो histogram होता है उसमें द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, देखो जो हिस्टोग्राम होता है उसमें द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उनका एरिया जो है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल. फाइन, वो रिलेटेड होता है विद द फ्रीक्वेंसी. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन. Question number 6. In the less than type of ogive, the cumulative frequency is plotted against option number A, the lower limit of the concerned class interval, option number B, the upper limit of the concerned class interval, option number C, the mid value of the concerned class interval, or option number D, any value of the concerned class interval. देखो, जो लेस देन टाइप ऑफ ओजाइव्स होती हैं वो अपर लिमिट्स को लेके बनती हैं. दैट मींस द अपर लिमिट ऑफ द कंसर्न्ड क्लास इंटरवल. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 7. इन अ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल्स और द ग्रुप्स आर टेकन अलोंग ऑप्शन नंबर ए वाई एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी
x-axis. Option number C, both of x-axis and y-axis. Option number D, in between x and y-axis. देखो जो हिस्टोग्राम होता है उसमें जो क्लास इंटरवल्स या जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं, दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 8, अ हिस्टोग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा इन विच क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी आर रेस्पेक्टिवली टेकन अलोंग ऑप्शन नंबर ए vertical axis and horizontal axis, option number V, vertical axis only, option number C, horizontal axis only, option number D, horizontal and vertical axis. देखो जो histogram होता है उसमें जो class intervals आते हैं वो आते हैं horizontally और frequency आती है vertically. So class intervals and frequency are respectively taken along horizontal and vertical axis. Option number D is the right one. Question number 9. In a histogram, each class rectangle is constructed with base as option number A, frequency, option number B, class intervals, option number C, range, option number D, size of the class. हर क्लास रेक्टेंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है विद द बेस एज क्लास इंटरवल्स. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन. होप यू लाइक आवर वीडियो. वॉच आवर अदर वीडियोस फॉर एमसीक्यूज ऑफ वेरियस चैप्टर्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑन आवर चैनल.